तीन तलाक पीड़ितों को से मिलेंगे, सीएम आवास पर मिलेंगे। आपको बता दें सीएम योगी ने अधिकारियों को इसके चलते निर्देश दिए हैं, तो निर्देश के बाद ग्राम विकास विभाग शुरू की है तैयारी, पात्र महिलाओं को चिन्हित करके दिए जाएंगे आवास। तो तीन तलाक पीड़ितों को मिलेंगे सीएम आवास, बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से। आपको बता दें सीएम योगी ने अधिकारियों को इसके चलते निर्देश दिए हैं और निर्देश के बाद ग्राम विकास विभाग ने शुरू की तैयारी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल श्रीवास्तव हमसे जुड़े हैं। राहुल, जिस प्रकार से तीन तलाक पीड़ित जो महिलाएं हैं उनके लिए अब सीएम योगी ने उनको आवास देने की बात की है, क्या कुछ इस पर और ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? देखिए, निश्चित तौर पर तीन तलाक जो पीड़ित हैं महिलाएं हैं उनको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ काफी संवेदनशील हैं, समय समय पर उनसे मुलाकात भी करते हैं। अब उन्होंने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जो पात्र महिलाएं हैं जो तीन तलाक से पीड़ित हैं उनको सीएम आवास दिया जाए, उनको चिन्हित करने की जिम्मेदारी दी है ग्राम विकास विभाग को, जो उन महिलाओं को चिन्हित करेगी और जो पात्र महिलाएं हैं जो श्रेणी में आती हैं जिनको सीएम आवास मिले उनको मुख्यमंत्री निर्देश दिए कि ऐसी महिलाओं को सीएम आवास दिया जाए जैसे उनकी जो जिंदगी है वो और बेहतर तरीके से बीत सके। तीन तलाक से पहले से पीड़ित हैं, ऐसे में उनकी जो भी सरकारी योजनाओं के अंतर्गत जो भी महिलाएं आती हैं उनको उन सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाए और इसी में सीएम आवास योजना भी शामिल है जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल, तमाम जानकारियों को देने के लिए। निर्देश के बाद ग्राम विकास अधिकारी जो है पात्र महिलाओं को चिन्हित करके आवास दिए जाने की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से। आपको बता दें तीन तलाक पीड़ित को मिलेगा मुख्यमंत्री आवास। और इसी